कि मैं उस विधायक जी से पूछता हूं कि आप नंगे पैर फिर रहे हो, तुम्हारा राज है ना, नंगे पैर फिर करके मैं मतलब जिला बना दूंगा तो फिर कपड़े उतारोगे तो फिर क्या बना दोगे, स्टेट बना दोगे? ये बिल्कुल ही जो है इस प्रकार राज में रहना और इस प्रकार की हरकत करना कि नंगे पैर फिरने से, अरे कि उनको ये भी पता नहीं कि सरोवर पूजन का महत्व तो क्या है और सरोवर पूजन से क्या होता है। वरुण भगवान की पूजा करने से सरोवर में जिस प्रकार से, या ये पश्चिमी राजस्थान में अकाल से आपको पता ये पानी की बहुत समस्या है, और इस बार इंद्र भगवान की कृपा से जो अभी तालाब लबालब भरे हुए हैं तो उसका पूजन कर, वरुण भगवान का पूजन करने से तालाब में जल स्तर रहता है, ये उनको पता नहीं, ये बोले गंदा करे, गंदा नहीं, सनातन धर्म की संस्कृति में सरोवर पूजन एक बहुत बड़ा महत्व है और वो उनको इसका अगर अनुभव नहीं हो तो वो ज्ञान पहले ले, उसका अनुभव करे, उनके सलाहकार जिस प्रकार से है उनके पास, वो सलाहकार जैसी सलाह देते हैं वैसा काम करते हैं, लेकिन उनको खुद को अनुभव होना चाहिए वो विधायक है किस प्रकार से, वो कभी डांडिया दुर्गा माँ के इस इतने बड़े महोत्सव कार्यक्रम किया उसको बोले ये तो डांस करे, डांस तो आपके राहुल बाबा जैसे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और सांसद साहब जिस प्रकार से कैलाश जी ने जो ऐतिहासिक पूरे राजस्थान में पहली बार ये काम हुआ है तो वो उनको हजम नहीं हो रहा है, उन्होंने जीवन में धर्म सरोकार सनातन धर्म के सरोकार को लेकर एक भी कार्य पिछले 10 साल में किया हो तो बताओ, उनको ऐसा धर्म के प्रति बढ़ावा देने का काम करते हैं तो उनको हजम नहीं हो रहा, बस यही बात है। इसके अलावा इनको कुछ भी पता नहीं है, कभी कन्या पूजन भी सही नहीं है, सरोवर पूजन भी सही नहीं है, संत पूजन भी सही नहीं है, माँ दुर्गा के उपासक हजारों प्रतिभाओं ने यहाँ अपनी प्रतिभा को निखार दिया तो वो भी इनको हजम नहीं हो रहा है, तो ऐसे विधायक साहब को जब अनुभव नहीं हो तो वे जनता का क्या भला करेंगे। प्रेस वार्ता प्रदेश विधानसभा के विकास की बात को लेकर के रखी गई है, जो आरोप अनारोप जो लगा रहे हैं उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि जो रिफाइनरी अपने पचपदरा में खुली है तो क्षेत्रीय विधायक ने उसको विधानसभा में कितनी बार यहाँ के रोजगार के लिए बात उठाई कि यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिले जिसके लिए रिफाइनरी खुली है, या अपने खुद के ठेके के लिए उन्होंने बात की है। अलोत्रा और पचपदरा की विधानसभा की जनता ये जवाब उनसे पूछ रही है कि आपने इसके बारे में स्थानीय लोगों के रोजगार के बारे में जो बातें करते आए हैं उसके लिए आपने कितनों को स्थान दिला और क्या बात की और कितनी बार इस बात को आपने विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया, मैं उनसे इस बात के बारे में पूछना चाहता हूं और जनता भी इसका जवाब मांग रही है कि आपने क्या किया इसके बारे में। दूसरा मुद्दा जो राजकीय नाहटा अस्पताल है इसको लेकर के आपने जनरल वार्ड को लेकर के आपने आईसीयू वार्ड घोषित करवाया जो आज धूल फांक रहा है और जहां पे उपकरण भी नहीं है, ट्रोमा सेंटर की घोषणा की, कहाँ है आपका ट्रोमा सेंटर, कहाँ है आपका जिला अस्पताल, मात्र थोड़ी सी घोषणाएं करके और वाहवाही लूटने का काम आपकी सरकार आप स्वयं कर रहे हैं। तीसरी बात जो बजरी खनन का इस समय जो वातावरण चल रहा है इसको लेकर के जनता में बहुत बड़ा रोष है, मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि यहां पर इस बजरी खनन को लेकर के बजरी माफियाओं के द्वारा 3 व्यक्तियों की हत्याएं हो चुकी है और आए दिन मारपीट और गोलीकांड होते रहते हैं और राज्य सरकार की ओर से 38 रुपये टन की रेट फिक्स है, उसके बावजूद भी 550 रुपये हमारे बालोतरा पचपदरा विधानसभा में ली जाते हैं जबकि पास की विधानसभा जालोर के अंदर 300 रुपये में बिक रही है, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं हमारी हिस्सेदारी है, ऐसा इस बात से महसूस हो रहा है कि आपका इसमें हक नहीं है क्या, तो इतनी महंगी बजरी आम जनता को क्यों मिल रही है, या तो आपकी मुख्यमंत्री के सामने सुनवाई नहीं होती है अन्यथा आपको इसको रेट को कम करवाना चाहिए, आम आदमी के ऊपर इसका बहुत बड़ा कुठाराघात है। भूमाफियाओं को लेकर के जब से आप विधायक बने हैं प्रथम बार भी भूमाफियाओं का आतंक पूरा छाया रहा है, आज के समय में भी दूसरी बार आपके विधायक बनने के बाद में बालोतरा शहर और आसपास के एरिए में सब तरफ से भूमाफिया जो आपके चारों तरफ घूमते हैं वो सब आम साधारण आदमी और गरीब आदमी की जमीनों पे कब्जा करके डरा धमका कर उन पे कब्जा करने का काम आज की तारीख में कर रहे हैं, लेकिन आप उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि आपकी मिली भक्ति उसके अंदर है। सनातन संस्कृति का जो अभी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे संसदीय गरबा महोत्सव का जो कार्यक्रम किया गया उसमें हजारों की संख्या में हमारे भक्तों ने भाग लिया जिनकी अपने माँ दुर्गा के प्रति आस्था का प्रतीक था, उसको आपको एक ढोंग लगता है और आपको ये लगता है कि ये कार्यक्रम नहीं होना चाहिए,
ये मुझे लग रहा है कि हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी की बढ़ती लोकप्रियता और सनातन संस्कृति का एक ढंग से बहुत बड़ा अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है, उसको आप पचा नहीं पा रहे हैं। आप जरा सनातन धर्म संस्कृति विरोधी हैं, ऐसा आपकी भावनाओं और बातों से लग रहा है कि आप इसका पुरजोर विरोध करें और कहते हैं ये काम क्यों किया जा रहा है। सरोवर पूजन, कन्या पूजन, ये हमारी समरसता का काम है और हम वर्षों से करते आ रहे हैं, जिसका आप विरोध कर रहे हैं, और तालाब पूजन का भी, सरोवर पूजन का भी आप विरोध कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि आपकी कैसी मानसिकता है और किस विचार के आप अनुरूप चल रहे हैं। हमारी हिंदू संस्कृति का आप जिस प्रकार के शब्दों में आप विरोध कर रहे हैं, इससे तमाम समाज के लोग इसके में बहुत बड़े निर्दोष है। ओवर ब्रिज के बारे में बताया, मैं पूछना चाहता हूँ, ये केंद्र सरकार की रेलवे ओवर ब्रिज की योजना है और आप विधायक होते हुए भी आपको ये पता नहीं है कि इसकी स्वीकृति मिल चुकी है और काम चालू हो चुका है। सेकेंड फाटक पर इसका काम चल रहा है, अति शीघ्र पूरा होने के बाद इसका उद्घाटन का कार्यक्रम होगा और अंडरपास के उद्घाटन में आप भी उद्घाटन की होड़ में आगे बढ़े। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका सरकार का इसमें कोई रोल भी नहीं है, आपका कोई इसमें अंशदान नहीं है, तो आप किस प्रकार के उद्घाटन में आगे बढ़ रहे हैं और स्टेटमेंट करके आप हमारे मंत्रियों के, पूर्व मंत्री के बारे में आप अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपकी कैसी मानसिकता है? मैं आपसे इसका जवाब मन से पूरा पूछना चाहता हूँ।